वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है आपका 20 जून और 20 जून की करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेज पूछूंगा जो कि पिछली करंट अफेयर से संबंधित होगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर इमेज में आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी, ठीक है, पीडीपी इस राजनीतिक दल से थी और इनके साथ भाजपा का गठबंधन था। और हाल ही में उन्होंने भाजपा के गठबंधन की हटने की घोषणा के बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, ठीक है। और दोनों पार्टियों के बीच, बीजेपी और पीडीपी पार्टी के बीच गठबंधन की असामंजस्यता के कारण ये यहाँ पर निर्णय इनको लेना पड़ा है। और अब वहाँ पर देखते हैं क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगता है या फिर क्या होता है। लेकिन हाल ही में वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने हाल ही में वहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एन वोहरा, ठीक है, एन वोहरा जम्मू कश्मीर की वर्तमान में गवर्नर हैं। और जम्मू कश्मीर की दो राजधानी होती हैं, शीतकालीन में जम्मू होती है और ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर होती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2018 कहाँ पर शुरू हुआ? तो देखिए हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2018 नई दिल्ली में शुरू हो चुका है, ठीक है। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका की नई दिल्ली क्लस्टर कार्यालय के निदेशक और यूनेस्को के प्रतिनिधि एरिक फॉल्ट द्वारा वहाँ पर एक ये योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। और ये 3 दिवसीय आयोजन होगा, इनमें कई देशों के प्रतिनिधि भी हालांकि भाग ले रहे हैं लेकिन ये राष्ट्रीय योग ओलंपियाड है, ठीक है। और ये योग ओलंपियाड की जो शुरुआत है वो तभी से हुई है जब 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो आप जानते ही हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी हाल ही में मनाया जाएगा। तो उन सभी तैयारियों के मद्देनज़र ये आपका राष्ट्रीय योग ओलंपियाड आयोजित किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं कुछ योग की मुद्राएँ दी गई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO के रूप में किसे नियुक्त किया है? यहाँ पर आप एक कंफ्यूजन मत रखना, CEO, देखो CEO इसका फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है COO, ठीक है, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, ICICI बैंक ने हाल ही में संदीप बख्शी को COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो वहाँ की जो ICICI बैंक की जो बोर्ड है उसने हाल ही में इनको पूरे समय के लिए निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी, इसकी शुद्ध हिंदी होती है निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO के रूप में नियुक्त किया है। और अपने सभी व्यवसायों को चलाने के लिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी बैंक की एक शीर्ष स्थिति में बना हुआ है और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ की जो CEO है चंदा कोचर, जो कि ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में छुट्टी पर रहेंगी और तब तक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में संदीप बख्शी काम करेंगे। यहां पर इमेज में उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए ICICI बैंक की बात की गई है तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और ICICI बैंक की स्थापना सन 1994 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, किस संस्था ने विपणन फर्मों के मानदंडों की समीक्षा के लिए एक नए पैनल का गठन किया है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है IRDAI, ठीक है, IRDAI यानी IRDA ने हाल ही में विपणन फर्मों के मानदंडों की समीक्षा के लिए एक नए पैनल का गठन किया है,
ठीक है। तो बीमा कंपनियों ने, इरडा ने बीमा विपणन फंडों से संबंधित नियमों की समीक्षा के लिए एक नया पैनल बनाया है, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता 9 सदस्यों के साथ सुरेश माथुर करेंगे, ठीक है। सुरेश माथुर जो कि कार्यकारी निदेशक हैं IRDAI के, ठीक है, कार्यकारी निदेशक की यहाँ पर बात की गई है। तो ये सब देखियो, बाजार को, जो मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए ये सब नए पैनल का गठन किया जा रहा है, उसकी समीक्षा की जाएगी। अब यहाँ पर मुख्य चीज जो है आपको याद रखनी है, इरडा, ठीक है, IRDAI, ठीक है, इसने हाल ही में इसका गठन किया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए IRDAI की स्थापना सन 1999 में हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय वर्तमान में हैदराबाद में है, और इसके अध्यक्ष वर्तमान में सुभाष चंद खुंतिया है, ठीक है, सुभाष चंद खुंतिया, जबकि कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर है। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए किस बड़ी कंपनी के साथ में सहयोग किया है, यानी समझौता किया है। तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए गूगल कंपनी के साथ समझौता किया है। आप इमेज में देख सकते हैं गूगल के यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, तो गूगल कंपनी के साथ हाल ही में समझौता किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं केंद्र सरकार इस गूगल कंपनी के साथ समझौता करके काफ़ी तकनीकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके सहयोग से बाढ़ प्रबंधन को रोकने में मदद करेगा, यानी बाढ़ के बचाव के लिए गूगल के साथ मिलकर काम करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल के पास काफी वर्ल्ड लेवल के मानचित्र हैं और उन पर बाढ़ दृश्यता और मौसम तकनीकी गूगल के पास है, तो उसकी सहायता से भारत की जो केंद्र सरकार है वो बाढ़ नियंत्रण के लिए काफी हद तक काम करेगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए गूगल की बात की गई है, तो इसके बारे में आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। जैसे गूगल की वर्तमान में CEO कौन है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, तो देखिए इसके हैं CEO सुंदर पिचाई, जो कि भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और गूगल का जो मूल संगठन है वो है अल्फाबेट इंक, और गूगल का मुख्यालय अमेरिका में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए गूगल की स्थापना सन 1998 में कैलिफोर्निया में हुई थी, ठीक है, और जिनके संस्थापक उस समय थे लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, ठीक है, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल की स्थापना की थी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा उन्मूलन संघर्ष दिवस कब मनाएगा, ठीक है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है। तो देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा उन्मूलन संघर्ष दिवस 19 जून को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए संघर्ष संबंधी यौन हिंसा की अंत की आवश्यकता के लिए जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यौन हिंसा उन्मूलन संघर्ष दिवस हर वर्ष 19 जून को मनाया जाता है, ठीक है, यानी यौन हिंसा को रोकने के लिए और उससे जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2018 का इसका जो विषय है वो है शत्रुता में जन्मे बच्चों की अवस्था एवं अधिकार, ठीक है, शत्रुता में जन्मे बच्चों की अवस्था एवं अधिकार, द प्लाइट एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ वॉर, ये आपका इस वर्ष का टॉपिक है, विषय है, थीम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US ओपन गोल्फ 2018 का खिताब किसने जीता। अब देखिए ये आप US ओपन टेनिस वाला मत समझना, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है हाल ही में US ओपन गोल्फ 2018 का खिताब किसने जीता, तो देखिए ब्रूक्स कोएक्सा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रूक्स कोएक्सा ने हाल ही में US ओपन गोल्फ 2018 का खिताब जीता है, आप इमेज में इनको देख सकते हैं। और ये जो खिलाड़ी हैं वो 28 वर्ष यानी कि लगभग 28 वर्ष में न्यूयॉर्क के सिकेन हिल्स में लगातार US ओपन खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है, इन्होंने लगातार ये दूसरा खिताब जीता है, तो 28 साल में ऐसा पहला हुआ है, पहली बार हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में US ओपन गोल्फ खिताब 2018 का किसने जीता है, ब्रूक्स कोएक्सा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिमिक्री कलाकार का हाल ही में निधन हो गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ क्वेश्चन निधन से संबंधित भी पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो यही इसी क्रम में ये आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिमिक्री कलाकार का निधन हो गया है। तो देखिए हाल ही में नरेला वेणु माधव का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में नरेला माधु वेणु माधव का निधन हो गया है, और ये एक मिमिक्री कलाकार थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी आर्टिलरी गन का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया? तो देखिए, हाल ही में धनुष, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में धनुष आर्टिलरी गन का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और इसे सेना में शामिल करने के लिए इसे तैयार कर लिया गया, यानी कि इसको आर्मी में शामिल कर लिया जाएगा। तो धनुष 1980 से यानी 1980 के मध्य दशक में भारत द्वारा स्वीडन की बेफोर्स बंदूक का एक अपग्रेडेड किया गया संस्करण है और इसे अब जो है भारत की तरफ से अंतिम सफलतापूर्वक इसका परीक्षण कर लिया गया है, ठीक है। और इसका 2016 तक भी परीक्षण चला था, लेकिन अब इसका पूर्णतः अंतिम परीक्षण किया गया है। तो वर्तमान में बात करें कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल बिपिन रावत थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। और भारतीय सेना में इस धनुष नाम की आर्टिलरी गन का गन को शामिल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और इस वीडियो का 10वां क्वेश्चन है, किस संस्था ने हाल ही में FPI के लिए बांड के निवेश के नियमों को उदार किया है? तो देखिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ने यानी RBI, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है FPI के बांड के निवेश के नियमों को उदार किया है। तो बहुत अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से ये सब काम किया गया है, यानी कि जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर FPI की बात की गई है, FPI के लिए यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी इसके लिए ये नियमों को उदार किया गया है जिससे कि अधिक से अधिक विदेशी निवेश आए। तो ये किसने किया है? हाल ही में RBI ने किया है, ठीक है। वैसे भी अभी अब कल की वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के मामले में अमेरिका ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2017 में अमेरिका में सर्वाधिक FDI का निवेश हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार की FPI, ठीक है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जो शर्तें हैं, उनके नियम है, उनको उदार मतलब बहुत ही अब सरल कर दिया गया है, आसान कर दिया है। किसने किया है? RBI ने किया है, जिससे भारत में इन्वेस्टमेंट अधिक हो। तो अब यहां पर देखिए, RBI की बात की गई है, तो कि RBI के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, RBI के जो गवर्नर हैं, वो हैं उर्जित पटेल, ठीक है। और RBI के 24वें ये क्रम में गवर्नर हैं। और बात करें मुख्यालय की, तो RBI का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और 1 अप्रैल सन 1935 को इसको कोलकाता में से स्थानांतरित किया गया था, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो RBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तो आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, 11वां प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का अनावरण किस देश में किया गया? तो देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का अनावरण अमेरिका में किया गया है। तो अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को पहली बार लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। और इसमें 200000 यानी 200,000 200,000 इसमें ट्रिलियन गणनाएं इसको करने की इसकी क्षमता है, ठीक है। और ये जो बताया गया है कि टाइटन से, एक टाइटन है, टाइटन से 8 गुना ज़्यादा स्पीड से काम करता है और दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर माना जाएगा। हालांकि अभी वो अस्तित्व में पूर्ण रूप से नहीं आया, कि वो इसका अनावरण किया गया है, अभी इसका पूर्ण रूप से निर्माण करना बाकी है। लेकिन किस देश में ये सब हो जाएगा? तो अमेरिका में होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा आंसर। इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार 5वां राष्ट्रीय डेटा सेंटर कहाँ पर स्थापित करेगी? तो देखिए, केंद्र सरकार 5वां राष्ट्रीय डेटा सेंटर भोपाल में स्थापित करेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये जो जानकारी है वो दूरसंचार मंत्री यानी IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी है कि भोपाल में प्रस्तावित डेटा सेंटर देश में अपनी तरह का एक सबसे बड़ा केंद्र होगा और 5वें राष्ट्रीय डेटा सेंटर की क्षमता है 5 लाख वर्चुअल सर्वर की, ठीक है। और इससे पहले 4 डेटा सेंटर बनाए जा चुके हैं, उनके नाम है पुणे, हैदराबाद, दिल्ली और भुवनेश्वर, ठीक है। और 5वां कहाँ पर हो जाएगा? भोपाल में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये 12वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कल की क्विज का आंसर। कल आपसे पूछा गया था, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज इसका राइट आंसर होगा। और आज की क्विज का सवाल है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने ODI के एक मैच में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो आप इसका आंसर दीजिए कमेंट में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, जो भी आंसर है प्लीज कमेंट करना ना भूलें। और बस, अगर आपने मई की करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।